हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एआई टूल का यूज़ करके प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे आपको कई सारे सर्च इंजन पर एआई टूल मिलेंगे, बट सभी के लिए आपको प्रीमियम वर्ज़न लेना पड़ता है। वो शो जरूर करते हैं कि फ्री वर्ज़न है, बट वहाँ पर फ्री नहीं होता है। आपको एक या दो प्रेजेंटेशन आप फ्री में क्रिएट कर सकते हो, बट वो प्रॉपर वे में क्रिएट नहीं होती है। तो चलिए हम शुरुआत के जो सारे टैब है उसको क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चैट जीपीटी का यूज़ करके प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एआई टूल बता देता हूँ जिसके थ्रू प्रेजेंटेशन क्रिएट होती है। दूसरे ये आपको नज़र आ रहे कई सारे एआई टूल है, इसमें आपको प्रीमियम वर्ज़न या फिर लॉगिन करना पड़ता है। अगर आप प्रीमियम वर्ज़न ले सकते हो तो अच्छी बात है, तो आप उसके थ्रू ईजिली प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। देन अब हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी का मेन मकसद यही है, ये आपके प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं करेगा, उसके लिए कंटेंट टाइटल ये आपके लिए ला कर देगा। अब यहाँ पे आपको सपोज़ आपने लिखा यहाँ पे पीपीटी ऑन, आपने यहाँ पे लिख दिया ग्रीन स्किल, देन यहाँ पे आपको सर्च करना है। अब ये आपको वेट करना है थोड़ा सा। अब आपको देखिए हर स्लाइड के अकॉर्डिंग टेक्स्ट वो शो कर रहा है। अब इन टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हो और अपनी स्लाइड्स के ऊपर 12 स्लाइड आपको क्रिएट करनी है उनके ऊपर पेस्ट कर दीजिए, और उससे रिलेटेड जैसे डेफिनेशन ऑफ ग्रीन स्किल, अब इसको आप है ना कॉपी कीजिए। सपोज करो उसके डेफिनेशन चाहिए आपको, कॉपी कीजिए। देन एक हमने क्या करा, न्यू टैब ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करेंगे, आपको डेफिनेशन बता देगा ग्रीन स्किल की, वो वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, इजी। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो चैट जीपीटी का यूज़ करके। ओके, देन अब आता है कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक एक करके ऐसे स्लाइड क्रिएट कर सको, तो हमने यहाँ पर सपोज करो हमने यहाँ पे किया पीपीटी ऑन ग्रीन स्किल, यहाँ पे सर्च कर दिया। अब ये स्लाइड शेयर की पीपीटी दिखे, स्लाइड शेयर एक वेबसाइट है जहाँ पे जो भी प्रेजेंटर है, यानी कि जिस कोई बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में जो अपनी प्रेजेंटेशन औरों के साथ साझा करना चाहते हैं लेकिन वो लॉक करके रखते हैं, वो पेड वर्जन होती है। अब जो पेड होगी स्लाइड उसको हम लिख कैसे सकते हैं, कैसे लेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमने क्या करा, स्लाइड शेयर पर नज़र आ रही है आपके प्रेजेंटेशन, इसको हमें देखना है थोड़ी सी देर देखेंगे। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे आपका जो स्लाइड शेयर का लिंक है उसको कॉपी करेंगे, न्यू टैब में जाएंगे, न्यू टैब हमने क्रिएट करा, देन उसके बाद डाउनलोड स्लाइड शेयर पीपीटी, इस पर हमने क्लिक करा। अब यहाँ पे कई सारे रिजल्ट दिखाएगा, ध्यान रहे जो आप लिंक है वो आपका पीपीटी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अब हमने पहले वाले पे ही क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, लास्ट में हम यहाँ पे ऊपर देखना है पीपीटी आ रहा है या नहीं आ रहा, इस पे चेक करना है, ये पीपीटी आना चाहिए। ओके, देन इसके बाद हम डाउनलोड करेंगे, वेट करना है। अब यहाँ पे आपकी पीपीटी डाउनलोड नहीं होगी, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पे, और इसमें 20 स्लाइड दिखा रहा तभी वो डाउनलोड होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, इधर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऊपर ये चीज़ देखनी है कि ये पीपीटी आना चाहिए, अगर पीपीटी नहीं आएगा तो आपका पीपीटी वर्जन में नहीं होगा। अगर यहाँ पे पीडीएफ आ रहा है तो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, इमेज आ रहा है तो इमेज फॉर्मेट में, तो इस चीज़ को चेक करना, ये आउटपुट फॉर्मेट है। ठीक है, देन हम डाउनलोड करेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पे आप चेक करेंगे पीपीटी एक्स आ चुका है, डाउनलोड करेंगे। अब आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन ना करें, इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, देन आप फाइल मैनेजर में जाएंगे, मोबाइल के थ्रू हो रहा है इसलिए अब वहाँ पे, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में के थ्रू करते हो तो वो आपका डाउनलोड में दिखाएगा, डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट में वहाँ पे शो करेगा। ओके, यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो चुकी है, इस पे क्लिक करेंगे,
देन थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो चुकी। अब इसमें कोई नाम हटाना है, कोई स्लाइड डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इंटरफेस दे देता हूँ कैसे आप कर पाओगे। एडिट हम जाएंगे, मोबाइल के थ्रू सब चीज़ पॉसिबल नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे अगर कोई ऊपर का नाम हटाना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स कॉपी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हो चुका है, अब ये ऊपर मूव नहीं होगा, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हर्डल्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से हम नहीं कर सकते। आप है ना अगर लैपटॉप से या डेस्कटॉप पीसी से क्रिएट करोगे तो उससे इजीली आपका हो जाएगा। और उसमें आप बैकग्राउंड कलर जो टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, जब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, दिखा देते हैं टेक्स्ट बॉक्स का थोड़ा सा, तो इस तरह से आ रहा है। तो इसको आप बड़ा कर सकते हो और वहाँ पर आप लगा सकते हो जैसे ऊपर की साइड में, ओके। तो इस तरह से आप अपनी खुद की प्रेजेंटेशन कुछ सेकेंडों में आप क्रिएट कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेक स्टडी विद लर्न चैनल के साथ बने रहें। आपकी कोई राय है चैनल के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।